क्या आपको पता है कि हम अपने घरों में जो मूंगफली खाते हैं उस मूंगफली का इस्तेमाल होता है डायनामाइट बनाने में, और एक डायनामाइट कितनी तबाही कर सकता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में इतनी लिविंग सेल्स होती हैं जितना कि इस पूरी धरती पे लोग नहीं हैं। लॉजिकल फैक्ट्स की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। लॉजिकल फैक्ट्स एक वीडियो सीरीज है जिसमें आपको फैक्ट्स जानने को मिलेंगे और एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन भी जानने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, हम सब ने बचपन से ये सुन रखा होता है कि जो कैमल्स होते हैं, जो ऊंट होते हैं, वो ऐसे जानवर होते हैं जो सबसे ज़्यादा चल सकते हैं पानी के बिना। लेकिन क्या आपको पता है कि जिराफ कैमल से भी ज़्यादा पानी के बिना चल सकता है। जिराफ जो होता है वो 80% अपना टाइम पूरे दिन का खाने में बिताता है, और एक जिराफ एवरेज खाना एक दिन में 35 किलो खाता है। तो होता क्या है, जो जिराफ होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि वो सिर्फ पेड़ पौधे पत्तियां ये सारी चीज़ें खाते हैं। और उससे होता क्या है कि जिराफ के अंदर इतना पानी चला जाता है पेड़ पौधों से और पत्तियों से कि वो एक कैमल से भी ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है बिना पानी पिए। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है कि बटरफ्लाई यानी कि तितली अपने पैरों से किसी भी चीज़ का स्वाद लेती हैं। हम इंसान किसी भी चीज़ का स्वाद लेते हैं अपने जीभ से, अपने मुंह से, लेकिन जो बटरफ्लाई होती हैं वो किसी भी चीज़ का स्वाद लेती हैं अपने पैर से। होता क्या है, बटरफ्लाई यानी कि तितली के जो टेस्ट सेंसर होते हैं वो टेस्ट सेंसर उनके पैरों में लगे होते हैं। तो जब बटरफ्लाई किसी भी फूल पे बैठती है तब वो उस चीज़ का स्वाद पता कर लेती है, जिससे वो ये डिसाइड करती है कि जो बटरफ्लाई के बच्चे हैं जिनको हम कैटरपिलर्स बोलते हैं वो उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते। जो बटरफ्लाई होती हैं, जो तितलियाँ होती हैं, वो किसी भी चीज़ को चबा या फिर खा नहीं सकती। वो जो अपना खाना होता है उसे लिक्विड के फॉर्म में लेती हैं। फैक्ट नंबर थ्री, अगर आपको पता करना है कि कोई भी अंडा, कोई भी एग एक्सपायर्ड हो चुका है या फिर अगर वो ताज़ा है, तो आप उसको पता करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं। आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उस अंडे को उस ग्लास में डाल दीजिए। अगर अंडा डूब जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो अंडा है वो फ्रेश है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अंडा नहीं डूबता है और पानी में तैरने लगता है, इसका मतलब ये है कि जो अंडा है, जो एग है, वो एक्सपायर हो चुका है और आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। फैक्ट नंबर फोर, आपको ये ज़रूर पता होगा कि सांप के पास कान नहीं होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जो सांप होता है वो अपनी जीभ से चीज़ों को सुनता है। अब वो कैसे, तो होता क्या है, जो सांपों की जीभ होती है वो साउंड के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, इसीलिए जो सांप होता है वो हमेशा अपनी जीभ को अंदर बाहर अपने मुंह से करते रहते हैं, जिससे वो अलग अलग साउंड वाइब्रेशन को कैप्चर करते हैं, अलग अलग साउंड को कैप्चर करते हैं अपनी जीभ को अंदर बाहर करके, जिससे उनको साउंड का सेंस हो जाता है और वो अपनी जीभ की मदद से अपने आसपास की चीज़ों को सेंस करते हैं, साउंड को सेंस करते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है कि लाइटनिंग का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से कई गुना ज़्यादा होता है। बिजली जब गिरती है या फिर जो बिजली गरजती है उसका टेम्परेचर करीब करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और सन यानी सूरज की सरफेस का टेम्परेचर करीब करीब 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज सी बात है। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं, जितने भी बेबीज पैदा होते हैं, उन सब की आंखें नीली होती हैं, उन सब की आंखें ब्लू होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो पिगमेंट होता है मेलानिन, जिसके कारण हमारी बॉडी को हमारा कोई भी कलर मिलता है, काला या फिर सांवला या फिर गोरा, और अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज से आती हैं, वही चीज़ें आगे चल के किसी भी बच्चे का, किसी भी इंसान का जो आँखों का कलर होता है वो चीज़ें डिसाइड करती हैं। नहीं तो जितने भी बेबी पैदा होते हैं उन सभी की आंखें ब्लू कलर की होती हैं। और अगर आपको जानना है कि कोई भी इंसान काला या फिर गोरा क्यों होता है और हमारे शरीर को हमारा रंग इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी होता है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है कि एक इंसान अपने एक एवरेज लाइफ स्पैन में लगभग 950 किलोमीटर बाल बढ़ा लेता है। वो इंसान आदमी भी हो सकता है या फिर औरत भी हो सकती है। अगर हम कभी बाल ना कटवाएं हमारे एक नॉर्मल लाइफ स्पैन में, तब हमारे बाल 950 किलोमीटर तक बढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर एट, क्या आपको पता है कि मूंगफली जो हम अपने घरों में खाते हैं उसका इस्तेमाल होता है डायनामाइट बॉम्ब बनाने में। होता क्या है, मूंगफली का तेल पीनट ऑयल यूज़ होता है ग्लिसरॉल बनाने में, और ग्लिसरॉल का यूज़ होता है नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में, और नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा लिक्विड होता है जो डायनामाइट में यूज़ होता है। वो लिक्विड एक एक्सप्लोजिव लिक्विड होता है। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन लिक्विड है वो लिक्विड बनता है पीनट ऑयल से, और पीनट ऑयल मूंगफली से ही बनता है। तो मूंगफली का इस्तेमाल होता है बॉम्ब बनाने में।
फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि हमारी शरीर में इतनी लिविंग सेल्स होती हैं जितना कि इस पूरी धरती पे भी लोग नहीं हैं। तो 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से हमारी धरती पे 753.04 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। और अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में सेल्स कितनी होती हैं, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में, एक हेल्थी ह्यूमन बॉडी में करीब करीब 33 ट्रिलियन, ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उतनी सेल्स होती हैं एक ह्यूमन बॉडी में, और ये सारी सेल्स लिविंग होती हैं। फैक्ट नंबर 10, और ये इस वीडियो का लास्ट फैक्ट है, क्या आपको पता है कि जो लहरें समुद्र में हमें देखने को मिलती हैं उसकी जो रफ्तार होती है वो रफ्तार उतनी ही होती है जितनी रफ्तार एक जेट प्लेन की होती है। तो एक जेट प्लेन की रफ्तार होती है 800 से 900 किलोमीटर पर आर, और एक ओशियन वेव यानी एक समुद्री लहर की रफ्तार होती है 760 किलोमीटर पर आर से 800 किलोमीटर पर आर तक। तो अगर आपको लॉजिकल फैक्ट्स सीरीज की ये पहले वीडियो अच्छी लगी, या फिर आपको इससे कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको जानना है कि जब भी हम अपने कान को अपने हाथ से बंद करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो अजीब आवाज़ किस चीज़ की सुनाई देती है, तो ऊपर वाले वीडियो को देखें। और अगर आपको जानना है कि क्या होता अगर हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर नहीं होता, तो आप नीचे वाले वीडियो को देखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।